जो कह रहे हैं टिकट कटने के बाद कि ये पार्टी का फैसला है, पार्टी के फैसले का वो सम्मान करते हैं। अतुल प्रधान का ये बयान आया टिकट कटने के बाद। सामाजिक जीवन में कई बार अलग अलग तरीके के मोड़ आते हैं और मैं समझता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ये फैसला लिया है तो कुछ सोचा होगा, समझा होगा और शायद इसलिए भी हम लोगों को बुलाकर कहा कि हम लोग पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि भाई मदद हो। तो मेरा मानना यही है कि जो पार्टी ने फैसला किया उसको स्वीकार। राकेश जी, अतुल प्रधान तो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पार्टी का जो भी फैसला है वो उसका सम्मान करेंगे, भले ही नाराजगी चेहरे पर तो नजर नहीं आ रही लेकिन दिल के अंदर जरूर नाराजगी अखिलेश यादव को लेकर। संपर्क कट गया, फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन इसी सीट को लेकर आप देखिए कि यहां से तीसरी बार समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदला। इससे पहले 5 ऐसी सीटें रही हैं जहां पर समाजवादी पार्टी कंफ्यूजन में रही है और वहां पर भी पार्टी को प्रत्याशी बदलना पड़ा है। मयूर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर, भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ डर है कि आप और सीटों पर कंफ्यूजन छोड़िए। अखिलेश यादव तो खुद अपनी सीट क्लियर नहीं कर रहे हैं, शिवपाल यादव है वो बदायूं से चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहते हैं, यानी बौखला गई है। ये दर्शाता है कि कोई भी तैयारी समाजवादी पार्टी की पुख्ता तौर पर नहीं है लोकसभा चुनाव को लेकर। मयूर, पता नहीं ये कोई इनका कोई कंफ्यूजन है या किसी तरीके की स्ट्रेटजी है। इससे पहले इस तरीके की तस्वीरें कभी देखने को नहीं मिली कि लगातार एक सीट पे तीन तीन चार चार प्रत्याशियों को बदला जाए, तो ये डर तो बिल्कुल साफ तौर पे दिख रहा है। डर है क्योंकि इंतजार उनको था कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी का नाम घोषित करे, उसके अकॉर्डिंग फिर जाति और क्षेत्रीय समीकरण देखेंगे, फिर अपने प्रत्याशी को घोषित करेंगे। लेकिन इसमें नुकसान भी बड़ा पार्टी को हो रहा है क्योंकि जिनको उम्मीदवार पहले बनाया उनका टिकट काटा, फिर दूसरे को बनाया उनका टिकट काटा, तो ऐसे में नाराज तो उनके अंदर जरूर होगी। अतुल प्रधान को अभी हम सुन रहे थे, साफ तौर पे उनके चेहरे पर उनकी भाषा में वो नाराजगी और कहीं ना कहीं निराशा नजर आ रही थी। भले ही वो सामने आके मीडिया में कुछ भी बोल रहे हो कि जो उनका निर्देश है उसका पालन करेंगे, और लेकिन अंदर की बात यही है कि निराश है, नाराज है। और कल बड़े बागी सुर थे कल रात को उनके, वो कह रहे थे पार्टी को छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बाद कल रात से लेकर अभी तक जो पूरा सिनेरियो रहा, जो समीकरण रहा वो बदला। सुबह 7 बजे अखिलेश यादव ने उनको बुलाया और टिकट जो है वो अब सुनीता वर्मा को सौंपा गया है। कुछ देर में वो नामांकन भी करती हुई हमें जरूर नजर आएंगी, यहां से वो निकल चुकी हैं। लेकिन अब जो मान मनोबल का दौर है वो चल रहा है और ये मुसीबतें और भी बढ़ने वाली हैं समाजवादी पार्टी के लिए क्योंकि कई सीटों पर ऐसा कर चुके हैं और सभी को अब मनाना उनका काम है क्योंकि अंदर से अब वो उस ऊर्जा से उस मेहनत से तो पार्टी के लिए काम नहीं कर सकेंगे जिनका टिकट आपने काटा है। और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारियां दी गई थी उससे भी भागने का प्रयास रहेगा। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है अखिलेश यादव के कंधों पर कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और उम्मीदवारों जिनका टिकट काटा है उनको किस तरीके से साध कर चलें, साथ में लेकर चलें। और ऐसा तो अब लग रहा है कि अभी तो सिर्फ 2 ही चरण के नामांकन हुए हैं और अभी आगे जो चरणों के नामांकन होंगे उसमें भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। तो अस्थिरता इस समय समाजवादी पार्टी में बनी हुई है, कंफ्यूजन अखिलेश यादव के मन में है और कंफ्यूजन इस समय जो तमाम उम्मीदवार हैं जो टकटकी लगा के इंतजार कर रहे हैं कि वो प्रत्याशी होंगे, मेहनत कर रहे हैं लगातार ग्राउंड पे कई सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं और ऐसे में अंत समय में आके अगर उनका टिकट कटता है तो नाराजगी होना ये लाजमी है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस तरीके की तस्वीरें अगर आती हैं तो ये साफ दर्शाता है कि डर का माहौल है मन में और किसी तरीके का आपस में जो मतभेद है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर चलेंगे ये तो अब अखिलेश यादव ही जान सकते हैं। लेकिन मयूर, हम एक और तस्वीर अगर देखें दूसरी तरफ, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस वक्त चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उनकी तैयारी जैसे विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद से ही शुरू हो चुकी थी लोकसभा चुनाव को लेकर भी, लेकिन एंड टाइम तक अखिलेश यादव की किस तरह की तैयारी है वो इस वक्त हमारे सामने, जब गठबंधन में ही सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ था तो उस वक्त कांग्रेस को सीट देने पर ही अखिलेश यादव पूरी तरह से तैयार नहीं थे, उस वक्त भी हमने बिखराव की स्थिति देखी और अभी भी अपने ही फैसलों पर अड़िग नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहां से आप जब लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाएंगे तो वहां पर भी तो एक गलत मैसेज जरूर जाता है ना कि आप जो फैसले ले रहे हैं आप तो उन्हीं पर ही नहीं टिक पा रहे हैं, जनता से आप जो वादे करेंगे उनको कैसे निभाएंगे फिर।
देखिए संगठन मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का, 24/7 काम करने वाली पार्टी है। सरकार और संगठन आपस में सामंजस्य बिठाकर जिस तरीके से लगातार बैठकें चलती रहती हैं यहां से लेकर दिल्ली तक युद्ध स्तर पर, तो ये उसका नतीजा है। कोई भी इस तरीके से अनुशासनहीनता नहीं कर सकता। जिसका टिकट कटना है उसको पहले बता दिया जाता है, उसको बिठा दिया जाता है, जिसको टिकट दिया जाता है उसको चुनाव लड़ाया जाता है। टिकट देने के बाद 2-3 बार काटना, इस तरीके की चीजें बीजेपी में देखने को नहीं मिलती है। यही वजह है कि अनुशासन उसमें ठीक है। ठीक है मयूर, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। और